क्या हुआ? तो जो अभी हमने फैक्ट्री ली है ना, उसको सबसे पॉजिटिव चीज बताऊं आपको वो। तो आज हम करने वाले हैं अपने ऑफिस की शिफ्टिंग और पहला दिन है, थोड़ा सा सामान रखने आना है, तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ पे पंडित जी से हवन कराया जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। और आज हम आपको दिखाएंगे अपना नया ऑफिस है। ये हवन की सामग्री तैयार हो गई है। ये क्या है फिर? ब्लूपर। ये हवन की सामग्री और पंडित जी को मैं ले आया था, तब चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना नया ऑफिस। चन्नी जी हवन कुंड रखते हुए पंडित जी आ गए हैं। तो जी ये है हमारा ऑफिस, ये पूरा पीछे इतना बड़ा, यहाँ वहाँ पे एरिया कम पड़ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्टिंग करी है। ये हमारा होगा अंदर कॉलिंग वगैरह का एरिया, फोटोशूट वगैरह का, वीडियोग्राफी का पूरा एक यहाँ पे, वीडियोग्राफी का पूरा अच्छा सेटअप बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं किसी को नहीं लाया यहाँ पे, हमारी टीम भी नहीं आई, तो हमने थोड़ा सा रखना था सामान तो यहाँ पे। मैंने सोचा पहले हवन करा लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी शुरुआत पहले हवन करा के करते हैं। तो ये रहा हमारा सारा ऑफिस, देख लो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे हम निकालेंगे अपने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट, एकदम शानदार ऑफिस। ये देखो यहाँ पे सामने पैंट्री, पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इंडस्ट्री एरिया में होने के कारण काफ़ी अच्छे और इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे बिजनेस के अंदर। इसलिए पहले मैं ये व्लॉग बनाने नहीं वाला था, फिर मैंने कहा चलो कोई ना दिखा दिया जाए, नया ऑफिस है तो पूरा दिखा के अच्छा सा व्लॉग बन जाएगा। तो ऊपर छत भी हमारे पास पूरी, एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बनेंगी, पीछे पूरा गैलरी। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अभी तो ये दिख रहा है इतना, वो एक अलग पार्ट है, मतलब पूरा कॉलिंग टीम के लिए। तो अभी चलते हैं, सामान समूह रखते हैं, बाकी सबको भी ऑफिस दिखा देते हैं पंडे को, और करते हैं हवन। हवन सामग्री आ गई हमारी, हवन हवन करके फिर आपको आगे मिलते हैं। यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, मतलब वो दिमाग इतना खुलता है कि अच्छा ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी काम होता है, ये भी होता है। तो वेलकम टू इंडस्ट्री एरिया माई फोटो प्रिंट का माई फोटो प्रिंट आ गया है इंडस्ट्री एरिया में। और इतना बड़ा ऑफिस, पानी में साथ ले आया था, मैं भूल गए थे पानी की बोतल ना, यहाँ पानी मिलता नहीं है ना, बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं साथ में ही ले आया था। फिलहाल इस ऑफिस की चाबी नहीं है तो ये ऑफिस मैं आपको नहीं दिखा सकता सारा, धीरे धीरे अभी कैमरे लगेंगे, इंटरनेट लगेगा, बाकी चीज़ें होंगी, फिर आपको ये ऑफिस भी दिखा दूँगा, फिलहाल यहाँ से ही दिख पाएगा। तो अभी हवन करते हैं। भगवानी से तमामी ओम प्रभे सिरसा भक्तवासी मध्य मायुकर्मात सिद्धर्थे ओम शांताकारं बजगुशैनं बदमनाम सुरेश्वरं विश्वाधारं तकश्रम। हवन कराने के बाद पूरा पसीना पसीने हो गया, इतना पसीना आ गया ना कहने की हद नहीं है। यहाँ पे अभी पंखा भी नहीं है, एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये देखो छत, ऑफिस की छत कितनी ज़बरदस्त बड़ी है। तो यहाँ पे हम करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स, बढ़िया बढ़िया एकदम शानदार बम पटाखे फैलाएंगे। 15 अगस्त भी आने वाली है तो यहाँ पे पतंगे उड़ाएंगे। काम ना करें हम, हैं कह रहे पतंगे उड़ाने के लिए बढ़िया, काम ना करें हम, पतंगे उड़ाने आए हम यहाँ पे तो। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया होंगे, मेरी गन है ना जो काफ़ी दिन से ऐसी पड़ी है, तो यहाँ पे शूट कर सकते हैं आराम से, चैलेंजेस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुल के, एकदम से शानदार, एकदम मज़ा आ जाएगा। ये देखो पूरी छत बहुत ही ज़्यादा बड़ी।
ये देखो इस बंदे को कैमरे लगवाने के लिए बताया, तब से खर्चे की नहीं जा रहा है। कभी ये लगवा लो, कभी बूस्टर लगवा लो, कभी वारो लगवा लो, सब अपना सामान पहले पे। तो अभी चलते हैं वापस, सब सामान सामून रखते हैं और अपने पुराने ऑफिस ही चलते हैं वापस। तो अभी पंडित जी को घर छोड़ दिया, भूख लग रही है बड़ी गंदी गंदी, तो बाहर से खाते हैं। आज घर का सामान बिंकू जी ने बनाया था, थाई कड़ी, वो रात को खाएंगे और अभी बाहर से खाते हैं। तो अभी कार लगानी है पार्किंग में, हैवी ड्राइवर हमारे कार लगा रहे हैं। यहाँ से कार निकालनी इतनी ज़बरदस्त मुश्किल है, लेकिन हैवी ड्राइवर निकाल लेंगे, चेक करते हैं। तो नहीं निकाल पाए हमारे हैवी ड्राइवर, अभी उधर से आएंगे। तो जो अभी हमने फैक्ट्री ली है ना, उसको सबसे पॉजिटिव चीज़ बताऊँ आपको, वहाँ पे इतनी सन की एनर्जी होती है ना, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी होती है ना कि 24 घंटे एनर्जी मिलेगी और उससे काफ़ी पावर मिलेगी, उससे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, मज़ा आ जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे सबसे ज़्यादा, कि सन की एनर्जी रहेगी, मज़ेदार, एकदम शानदार, मज़ा आएगा यार, नया काम करेंगे ना। बस कहीं ना कहीं मुझे वही चीज़ लगती थी कि यार मशीनें नहीं आ पाती, ये है वो है, उसके कारण नए प्रोडक्ट नहीं बन पाते थे। अब बढ़िया से बन जाएंगे, अब कोई चक्कर नहीं। तो फिलहाल हम आ गए हैं पेरिस, पीछे देखो मेरे आईफल टावर। हम पेरिस नहीं आए हैं, लेकिन ये आईफल टावर देखो मेरे पीछे, इतना सही से लग रहा है। हम आए हैं कैफ़े, हमारे यहाँ पे एडवांस बेकरी कैफ़े है, बढ़िया से खाना खाएंगे। लेकिन इसकी लोकेशन देखो कितनी सही से बन रखी है। देख रहे हो कितना सही सा बना हुआ है, बढ़िया एकदम शानदार। हमने मंगाया सैंडविच, पेरी 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 फ्राइज, और सबसे ज़्यादा हमारे स्टॉक में आती है कैचअप। देखो अभी तो ये कम है, डबल आएगी, लेकिन इन्होंने एक गलत बात कर दी, कोल्ड कॉफ़ी पहले ही दे दी, तो भैया की तो ख़त्म ही हो गई है। फिलहाल हम घर आ गए थे दो ऑफिस से, और डैब देखो पागल हो रहा है आज डैब के ना। ओए क्या हो गया, कह रहा मैं बताता हूँ, आज विनोद चला गया ना तो ये घूम के नहीं आया बेचारा, अब इसको मैं घुमा के, मेरी ड्यूटी हो गई इसको घुमाने की। तो भाई से नीचे घुमा के आता हूँ अभी। पिंकू जी देखो गालियाँ जा रहे हैं, क्या हो गया, क्या बात है ना, पापा के साथ घूमने जाएगा। मैं इसकी ना क्लिप डालूंगी व्लॉग में, क्या क्लिप डालूंगी जब वो गया था तो इसका क्या रिएक्शन था। तो विनोद चला गया तो इसको मिस करेगा, तो मुझे लग रहा है तभी पागल पागल सा हो रहा है। चलो अंदर डैब, डैबू डैब, सैड हो गया बेचारा। डैबू डैबू आ जाओ अंदर डैब, चलो अंदर चले, चलो चलो आ, चीज जी दू ये ले, कम डैबू कम, ये ले चीज जी, डैब जू धीरे स्लो स्लो ये ले। इस बार ना इसको चेक करते हैं, मिस करता है कि क्या करता है, मिस मतलब हमें नहीं मिस करता है, किसी को क्या मिस करेगा। पिंकू जी ऑफिस देख रहे हैं, हवन भी कराए हैं वहां पे, वहाँ पे ना एक चीज बड़ी मस्त है पिंकू जी, क्या सूरज की रोशनी आती है प्रॉपर, अच्छा बहुत ज्यादा जबरदस्त एकदम, सही है सर्दियों में भी आएगी तो, हाँ और पावर मिलेगी सूरज से ना हमें 24 घंटे। और पिंकू जी यहाँ पे अपना स्टोरी बना रहे हैं, आजकल बॉलीवुड न्यूज, ये रही महारानी बॉलीवुड न्यूज की। चलो अभी डैब को घुमाने चलते हैं, डैब चलेगा घूमने, चले चलो चलो चलो। डैब को मैं तो आज घुमा के लाया, और इतनी जबरदस्त गर्मी है भाई साहब, आने के आधे घंटे तक हाँफता रहा है, मैं भी हाँफता रहा हूँ। और मैंने ना इसे सोचा कि उधर वाले पार्क में जाता हूँ, मैं रास्ते में जा रहा था, तीन और तीन छः कुत्ते मेरी तरफ आ गए, मैंने कहा भागो भैया यहाँ से। फाइनली मैं घर आ गया, और पिंकू जी आज फिर पता नहीं मेहरबान हुए हैं मुझ पर, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। आज देखो दाची बन रही है हमारे घर में, कलरफुल सब्जियाँ, परसों भी देखी थी ना, कल पता क्या हुआ, कल हम मैंने भी लोग बनाया नहीं, और कल मैंने एक ऐसी आइटम बनाई मशरूम की, इतनी जबरदस्त टेस्टी आइटम, कहने की हद नहीं है, मैंने बचाए मशरूम कल, शबनम के मोती, ओह, और कल ही भी लोग नहीं बनाया, मेरे को इतना वो आया ना कि जब नई चीज बनाओ तब लोग मतलब बना, हम कई बार नहीं बनाते और अच्छी चीज, और चीज अच्छी बन जाती है। डैब डैब ये कौन बोला,
ये कौन बोला? क्या हुआ? पागल हो जाता, पागल जैसे ये बजती है ना आंटी, इसकी तेरी माँ लगती है, है? ना चल अंदर, चल अंदर। अंदर कैसे जाएगा बदतमीज, बोले नहीं। लेकिन ये वाली शॉर्ट्स में हम बना रहे थे तो हमें पता नहीं लगा कि माइक की जो वायर थी मैंने अंदर कैमरे के लगाई नहीं, मैंने माइक से उतार के माइक में ही लगा दी, मतलब दोनों माइकों में वायर लगी हुई थी। हाँ हाँ, माइक माइक हो गया। तालियां। तो आप हमारे व्लॉग को देखते रहें दोस्तों, बस आज के व्लॉग में बस इतना ही है। अब हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे, ज़्यादा कुछ करें नहीं, सुबह काम पे जाएंगे। और आज हमारा ऑफिस कैसा लगा आपको, और बाकी तो क्या ही कह सकते हैं, कमेंट करें। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जाएं बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए, हमारे शॉर्ट्स चौकस के लिए, और भी बहुत कुछ आने वाला है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।